हालेलुया 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 सभी लोग बैठिए Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, my dear brother, my dear sister, we are in Advent season. प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं. And we are preparing our gift for our own friends, our own life partner, our own children. और हम अपने ही दोस्तों मित्रों अपने जीवन साथी अपने बच्चों को तोहफा देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं Did you buy the Christmas gift for your children, your husband, your wife? क्या आपने अपने पत्नी अपने पति अपने बच्चों को क्रिसमस के या नाताल के पर्व के अवसर पर तोहफा देने के लिए क्या कुछ तैयारी की है कुछ खरीदा है How many of you buy the Christmas gifts? कितने लोगों ने क्रिसमस के लिए या नाताल के पर्व के लिए आपने कोई तोहफा खरीदा है Nobody? किसी ने नहीं लिया है Only two people. सिर्फ दो लोगों ने हाथ ऊपर उठाया When you are going to buy the Christmas gifts? फिर कब आप लेने वाले हैं क्रिसमस का तोहफा When are you going to buy the Christmas gift? या क्रिसमस की भेंट वस्तु कब खरीदने वाले हैं When? Nobody think about Christmas gifts? क्या आपने नाताल के पर्व के अवसर पर कोई भेंट वस्तु खरीदने की या तोहफा लेने की नहीं सोची है Nobody is responding. कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं When we are going to celebrate Christmas? हम क्रिसमस या नाताल के पर्व को कब मनाने वाले हैं When we are going to celebrate? कब मनाने वाले हैं जनवरी फर्स्ट तारीख जनवरी के पहले तारीख को Then when? फिर कब मनाने वाले हैं 25th. Praise the Lord. 25 दिसंबर को Praise the Lord. Hallelujah. 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 2 days before, a young man came and said to me, Father, this year I got a Christmas gift. 2 दिन पहले एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे कहा कि इस साल मुझे नाताल के पर्व की भेंट वस्तु मिली है So I asked, what is the gift? तो मैंने उनको पूछा आपको क्या भेंट मिला है Father, my marriage is fixed. I got a partner. This is the Christmas gift for this year for me. तब उस भाई ने ऐसे कहा कि मेरी विवाह जो है वो तय हो चुकी है मुझे एक जीवन साथी मिला है यही मेरे लिए इस साल का नाताल के पर्व का भेंट है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया 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 माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर वी आर सीइंग द डिफिकल्टीज ऑफ द वर्ल्ड प्यारे भाई और बहनों हम संसार की कठिनाइयों को देख रहे हैं And we are experiencing lot of difficulties and problems of our own life. और हमारे अपने जीवन में भी हम बहुत सारी दुख तकलीफ या कठिनाइयों को झेल रहे हैं Lot of financial trouble in these days we are facing. इन दिनों में हम बहुत सारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं But we are facing all this trouble, but all are ready, all the means Those who like to have the partner, they are ready for marriage. लेकिन जो सभी लोग शादी करना चाहते हैं या जीवन साथी की तलाश में हैं, तो वो सभी लोग शादी के लिए या विवाह के लिए तैयार हैं। Because of this trouble, nobody is stopping the marriage or family life. या इस दुख तकलीफ की वजह से कठिनाइयों के वजह से कोई भी अपनी वैवाहिक जीवन को रोक नहीं रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because it is a love. Because it is a love. क्योंकि ये प्रेम है Praise the Lord. Hallelujah. 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 In the Bible we can see Joseph got a gift, Mary. और हम पवित्र ग्रंथ में ये देख पाते हैं कि यूसुफ को इसी प्रकार का एक भेंट मिला और वो है मरियम Praise the Lord. Hallelujah. 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 And do you know what was the gift for Joseph and Mary?
तो क्या आप जानते हैं यूसुफ और मरियम इनको क्या भेंट मिली थी? Jesus, praise the Lord. Hallelujah. 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 For Mary and Joseph, Jesus was the gift. Maryam और यूसुफ के लिए यीशु ही उनकी भेंट थे. My dear brother, my dear sister, not only for Mary and Joseph, but also for all worlds, Jesus is a gift. सिर्फ मरियम के लिए और यूसुफ के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार के लिए प्रभु ईसा मसीह एक तोहफा या भेंट हैं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 So Jesus is a gift for the whole world. पूरी संसार के लिए प्रभु ईसा मसीह एक भेंट हैं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mary and Joseph got a child. Both of them decided to give name to the child Jesus. यूसुफ और मरियम को एक संतान हुआ और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि उस संतान का नाम यीशु रखा जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Why they gave the name to the child Jesus? उन्होंने यीशु यह इस प्रकार का यही नाम उनको क्यों दिया? Because the Gospel of Matthew chapter 1 verse 21 says Joseph got directions in dream. The child should be known as Jesus. और फिर मत्ती की सुसमाचार अध्याय पहला वचन संख्या 21 में हम ये देख पाते हैं कि यूसुफ को उनके सपने के द्वारा उनको इस प्रकार का निर्देशन मिला था और उनको ये नाम भी दिया गया था और इस वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम यीशु रखा। And Mary got a vision. That means the discussion or discourse with Gabriel, angel Gabriel, and said to her. The child should be named as Jesus. और फिर मरियम को भी जब दर्शन मिला, जिस दर्शन में संत गब्रियल आए थे, उनके सामने उन्होंने कहा उनसे कि बच्चे का जो नाम है वो यीशु रखा जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 And in the dream, Joseph got a vision that the child should be the savior. He will solve the sins of many the world. और फिर यूसुफ के सपने में इस प्रकार उन्हें दिखाई दिया, उन्हें संदेश मिला कि जो पुत्र है, जो पुत्र यीशु होगा, वह एक उद्धारक होगा पूरी मानव जाति के पापों का वो निदान करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mary got the vision or from the direction from the angel Gabriel. The child will be the great among all. और फिर माता मरियम को इस प्रकार दर्शन के द्वारा गब्रियल दूत ने इस प्रकार कहा था कि आपका जो संतान होगा वो एक महान व्यक्ति बनेगा। And he will be called as the son of the most high. और सर्वोच्च के पुत्र कहर के वो कहलाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 And those who ever call the name of the Lord Jesus, receiving salvation in the world. और जो सभी प्रभु ईसा मसीह के नाम को लेते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, उन सबों को उद्धार प्राप्त होगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Romans chapter 10 verse 13 we read, everyone calls the name of the Lord Jesus shall be saved. रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Unche awas mein Hallelujah. 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 Gospel of Luke chapter 17 verse 13. 10 lepers gathered together and called Jesus, Master, have mercy on us. और फिर लूकस की सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पर 10 कौड़ी एक साथ होकर ऊंचे स्वर से ऐसे बोलते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए. प्रेज़ लॉर्ड. हालेलुया. 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 दे कॉल्ड टुगेदर द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस. They receive blessing, healing touch. जब उन्होंने एक साथ खड़े होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार वो बोले कि ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, तब उन्हें प्रभु यीशु की चंगाई का स्पर्श मिला. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because they believe the power and authority of the Lord Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के शक्ति सामर्थ्य और उनके अधिकार पर विश्वास किया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Once a prayer meeting arranged for rain. एक बार बारिश होने के लिए एक प्रार्थना सभा की आयोजन की गई. More than 3,000 came to pray in the parish for the rain. और उस पल्ली में करीब 3,000 से अधिक लोग वहां पर बारिश होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हो गए. Praise the Lord. Hallelujah. So how many thousand people came? कितने लोग आए थे? 3,000. करीब 3,000 लोग आए थे. Hallelujah. 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 Among them, a child brought an umbrella. सिर्फ उसमें से एक छोटा सा बच्चा ही था जिसने एक छाता अपने साथ लाया था. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Who brought the umbrella? छाता कौन लाया था अपने साथ? A small child brought the umbrella. Praise the Lord. छोटा सा बच्चा. Hallelujah. 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 So my dear brother, my dear sister, could you say among these 3,000 people who had the faith in the Lord Jesus Christ? तो फिर क्या आप बता सकते हैं इन 3,000 लोगों में किसके पास विश्वास था प्रभु ईसा मसीह में? Only this child, because he believed that if he pray, there will be rain. So he brought umbrella to go back at home. और फिर ये छोटा सा बच्चा अकेला ऐसा बच्चा था जिसमें ये विश्वास था कि अगर हम प्रभु ईसा मसीह के पास प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर बारिश या वर्षा भेजेंगे, तो घर जाते समय लौटते समय छाता जरूर लगेगा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brother, my dear sister, today Sneha Sangam very specially coming together and pray. और आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, स्नेह संगम का यह पूरा गुट एक साथ आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं. And around 2000 people are sitting here. और करीब करीब 2000 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. And the Lord is asking how many of us have the faith in the Lord Jesus. और आज प्रभु हमसे पूछ रहे हैं हम में से कितने लोगों में वही विश्वास है प्रभु ईसा मसीह में. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because we are saying praise the Lord, hallelujah, everything.
क्योंकि हम सभी लोग इस तरह ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया ऐसे बोलते तो हैं. And the Lord Jesus asking, how many of us have the deep faith in the Lord Jesus? और प्रभु हमसे पूछते हैं कि हम में से कितने लोगों में वो गहरा विश्वास है. The book of Jeremiah chapter 7 verse 4 we read like this. यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं. Do not trust in these deceptive words. This is the temple of the Lord. The temple of the Lord. The temple of the Lord. तुम कहते रहते हो ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है. इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो. Praise the Lord. Hallelujah. 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 When some trouble or difficulty or burden comes to our life, all our faith will be disappear. जैसे ही हमारी जीवन में कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सारा विश्वास हवा हो जाएगा. And we think, why I believe the Lord Jesus and going every day for the prayer or every prayer meeting, why I am struggling in my life? और हम इस प्रकार सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, हर प्रार्थना सभा में चला जाता हूँ, हर शनिवार में प्रार्थना में आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये दुख तकलीफ आते क्यों हैं? Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brother, my dear sister, in this Christmas season, this Advent season, very specially we gathered here in order to remember the great gift of the Lord Jesus to the world, to the humanity. और फिर प्यारे भाई और बहनों, इस आगमन काल में विशेष करके हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि हम याद करते हैं उस महान भेंट को, महान तोहफे को जो पूरी मानव जाति को दिया गया था, और वो है प्रभु ईसा मसीह. How much faith we have in our Lord Jesus? इस प्रभु, हमारे प्रभु ईसा मसीह में हमारा कितना विश्वास है. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brother, my dear sister, one day a mother was just lifting up his child on the air. और ये प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक माँ अपने बच्चे को ऐसी हवे में अपने बच्चे को उछाल रही थी. And when the mother lifting up the child on the air, the child is smiling and looking at the face of the mother. जब माँ अपने बच्चे को इस प्रकार हवा में उछाल रही थी, तो बच्चा जो है माँ के चेहरे में देखता है और मुस्कुराता है. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Will it happen? ऐसा कभी होता है कि नहीं? Yes or no? Yes or no? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Why the child is smiling when the mother is lifting up the air? और जब माँ बच्चे में असल में बच्चे को तो हवे में उछाल रही है, लेकिन बच्चा मुस्कुराता क्यों है? Because the child know the mother's hand is behind him. क्योंकि बच्चा ये जानता है कि माँ का हाथ उसके पीछे है. And child know mother will protect him. और बच्चे को ये भी पता है कि माँ उस बच्चे को संभालेगी. And did you care when the child is on the air, where the child look at? और आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, जब बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो बच्चे की नजर कहाँ पर होती है? The eye of the child is on the face of the mother. बच्चे की आंखें जो है वो माँ के चेहरे पर टिकी हुई हैं. Am I correct or not? क्या मैं सही हूँ कि नहीं? Yes or no? Praise the Lord. Hallelujah. 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 So my dear brother, my dear sister, if we are in error or in trouble, if we look at our Lord's face, we will have joy, we will have happiness in our life. प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम भी इस प्रकार हवा में उछाले जाते हैं, या फिर इसका मतलब है कि हम दुख तकलीफ में होते हैं, अगर हम अपनी नजरें प्रभु की तरफ गड़ाएं, तब हम भी आनंद को पाएंगे. If we go or if we look down, then the fear will come.
अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तब हमारे मन में डर आएगा. If we look the troubles and difficulties and triangulities, then automatically the amount of fear will arise or increase in our life. अगर हम दुख तकलीफ की तरफ, परेशानियों की तरफ, मुसीबतों की तरफ देखेंगे तब हमारे मन में एक प्रकार का डर सा बैठ जाएगा या उसमें आगे वो डर बढ़ जाएगा. So the Lord Jesus is saying, don't look at our difficulties, problems, but look at the face of the Lord Jesus and let us praise and thank the Lord. और प्रभु हमसे ये कहते हैं कि आपको दुख तकलीफ परेशानी की ओर नहीं देखनी है, आपको प्रभु यीशु के चेहरे की तरफ देखनी है. So let us all kneel down. तो सभी लोग अब घुटना टेकेंगे. Let us invite the Eucharistic Lord and look at the face of the Eucharistic Lord. तो हम सभी के सभी पवित्र परम प्रसाद के रोटी रूपी प्रभु यीशु को हमारे बीच आमंत्रित करेंगे और उनके चेहरे में नजर मिलाकर उसको देखेंगे. Surrendering all our difficulties, surrendering all our pain, surrendering all our sickness, surrendering all our financial burden. My dear brother, my dear sister, we will look at the face of the Lord Jesus. तो हम अपने आप को समर्पण करते हुए अपने सभी दुख तकलीफ परेशानियां मुसीबतें दिक्कतों को हम समर्पण करते हुए प्रभु यीशु के चेहरे में आंखें डालकर देखने वाले हैं. So we are going to look at the Lord Jesus face and we are praising and thanking the Lord in this holy moment. और हम प्रभु ईसा मसीह के चेहरे में उनको देखते हुए अपनी नजरें उनकी ओर गड़ाते हुए हम उनकी स्तुति आराधना करने वाले हैं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हमारी शादी आपकी आदर करते हैं, आप
dear brother, my dear sister, the book of Jeremiah, chapter 7, verse 16, we read like this. As for you, do not pray for these people. Do not raise a cry or prayer on their behalf. And do not intercede with me, for I will not hear you. यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 16. तुम अब इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो, इसके लिए न तो क्षमा याचना करो न अनुनय विनय, मुझसे अनुरोध मत करो, मैं नहीं सुनूंगा. Do you not see that they were doing in the towns of Judea, in the street of Jerusalem? क्या तुम नहीं देखते कि लोग यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की गलियों में क्या कर रहे हैं? Do you not see what they are doing in the town of Jerusalem and Judea? तुम्हें क्या ये नहीं दिखता है कि लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों में क्या कर रहे हैं? My dear brother, my dear sister, the Lord is asking what we are doing at our hometown. हम अपने ही गांव में अपने ही घरों में क्या कर रहे हैं? The Lord is asking we are able to worship the Lord, we are praising the Lord or thanking the Lord. प्रभु हमसे पूछते हैं क्या हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, क्या हम की आराधना करते हैं या उनको धन्यवाद देते हैं? Are we closer to the Lord Jesus or away from the Lord Jesus? क्या हम ईश्वर के प्रभु यीशु के करीब हैं या उनसे दूर हैं? Are we commit mistakes and gone away from the presence of the Eucharistic Lord? क्या हम पवित्र परम प्रसाद के प्रभु यीशु के करीब हैं या उनसे दूर जा चुके हैं? Are we responsible to our family members? क्या हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कर्तव्य बंद हैं? Are we responsible to our duties? क्या हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? The Lord is asking, are we faithful to our life? क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हम अपने जीवन के प्रति क्रिसमस? हम तो क्रिसमस की तैयारी में लग चुके हैं. माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, द लॉर्ड जीसस इज आस्किंग ऑल ऑफ अस, आर वी फेथफुल टू द लॉर्ड एंड आवर लाइफ? प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ईसा मसीह हम सबों से सवाल पूछते हैं, क्या हम प्रभु ईसा मसीह के प्रति विश्वस्त हैं? क्या हम उनके साथ में हैं? Let us kneel down and ask sorry to the Lord Jesus. Jesus, I commit a lot of mistake. I am not a worthy person to be in your presence. तो इसलिए सभी के सभी अब घुटना टेकें और प्रभु से हम क्षमा याचना करेंगे, माफी मांगेंगे कि आज तक मैं अच्छा व्यक्ति बना नहीं रहा, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं. इसके लिए हम घुटना टेककर सभी के सभी घुटना टेकेंगे. घुटने में दर्द होगा तब भी कोई बात नहीं, थोड़े देर के लिए घुटना टेकिए और प्रभु से माफी मांगिए. Remember all our failures and malice and let us ask the Lord Jesus for mercy on us. जिस पल हम हार गए हैं, जिस पल हम विफल हो गए हैं, उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे. Let us call the name and ask his mercy. हम उनके नाम की दुहाई देते हुए उनसे करुणा की याचना करें. My dear brother, my dear sister, we are preparing ourselves, our inner heart, in our being, in order to born our Lord Jesus in our life. और फिर हम अपने आप को, अपने भीतरी हृदय को, अपने भीतरी जीवन को, अपने भीतरी व्यक्तित्व को हम तैयार कर रहे हैं जिससे प्रभु ईसा मसीह हम में जन्म पाए. If we are not cleanse our heart and our body, our Lord will not born in our life. अगर हम अपने ही शरीर को, मन को हम धो नहीं पाते हैं, साफ नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु यीशु हम में जन्म नहीं ले पाएंगे. माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, टुडे वी हैव टू क्लेंस आवर हार्ट एंड माइंड एंड बॉडी. प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपना शरीर, अपना मन, अपना दिल सब साफ करना होगा. लेट अस प्रिपेयर द वे फॉर क्राइस्ट इन आवर लाइफ. और प्रभु ईसा मसीह हमें जन्म पाए इसलिए हम अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करें. लेट अस आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, फॉरगिव ऑल माय मिस्टेक्स, forgive all my drawbacks and have mercy on me. और प्रभु से माफी मांगे अपने सभी गलतियों के लिए, अपने सभी खामियों के लिए, कमियों के लिए, अपने सभी गलतियों के लिए हम प्रभु से माफी याचना करें. Keeping both hands on our chest in the form of cross, let us ask the mercy of the Lord. दोनों हाथों को सीने से लगाए रखें, जैसा क्रूस होता है वैसे दोनों हाथों को, यानी दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाहिने कंधे पर, क्रूस के समान ऐसे दोनों हाथों को सीने से
लगाकर रखना है Let us ask the Lord, Lord Jesus, forgive all my sins. और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना मेरे सभी पापों को क्षमा करें Everybody look at the Eucharistic Lord, keeping your both hands on your chest in the form of the cross. With a penitent heart, ask sorry to the Lord Jesus. और फिर हम सभी लोग एक पूरे पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास माफी मांगे मुझ पर दया करो मुझ पर दया करो मुझ Stand up. सभी लोग खड़े हो जाइए. All the name of the Lord Jesus and praise and thanking the Lord. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हुए उनके नाम की दुहाई देते हुए हम ईश्वर की स्तुति गान करेंगे. Remember all our problems, difficulties, sickness, needs, financial burden. Everything should be surrendered and we ought to praise and thank the Lord. और हम याद कर ले अपने सारी मुसीबतों को दिक्कतों को अपनी सारी परेशानियों को अपने दुख तकलीफों को इन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए हम प्रभु की स्तुति गान करें whatever the sickness whatever the problem whatever the burden surrender and praise and thank the Lord जो भी बीमारियां हो जो भी बोझ हो जिंदगी का वो सब प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें उनकी स्तुति गान करें let us together let us praise and thank the Lord हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति गान करें उनको धन्यवाद दें we are praying for healing we are surrendering everything in this praise and worship in this thanksgiving the Lord will heal and touch all of us हम इस स्तुति आराधना में प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी स्तुति गान करते हैं स्पर्श करें हमें सभी बीमारियों से चंगाई करें सभी मुसीबतों से हमें बाहर निकालें यीशु तेरा नाम यीशु
Hallelujah, 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 hallelujah,
you are the healer. Have mercy on all of us. Lord Jesus, you are the healer. Have mercy on all of us. Lord Jesus, you are the healer. Have mercy on us. Hallelujah. Joseph, the Lord Jesus. प्रभु ईसा मसीह ने
अपने यानी प्रभु ईसा मसीह में और गहरा विश्वास दिया है। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए सभी लोग, स्तुति कीजिए। More than 25 people is getting good job. करीब 25 लोगों को एक अच्छी नौकरी मिल रही है। The Lord curing more than 8 people from asthma. करीब 8 लोगों को दमे की शिकायत है, दमे की बीमारी है, उससे प्रभु उन्हें चंगाई दे रहे हैं। The Lord touching and healing more than 12 people from the problem in their lungs. करीब 12 से अधिक लोगों को अपने फेफड़ों में कोई तकलीफ है, उससे उन्हें चंगाई दे रहे हैं। सभी लोग स्तुति कीजिए, संगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। With internal organs pain, there are few people, and the Lord touching more than 11 people. और कुछ लोगों को आंतरिक अवयव में कोई समस्या है, कोई ऐसी जख्म है, और प्रभु यीशु उनको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। A good number of people getting healing from selling their body. एक अच्छी खासी संख्या है, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको शरीर में कहीं ना कहीं सूजन है, उस सूजन से प्रभु उनको राहत दिला रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। There are more than 25 family praying for peace in the family. करीब 25 लोग ऐसे हैं जो परिवार में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So the Lord Jesus giving peace and harmony in the family. और प्रभु अब आपके परिवार में शांति प्रदान कर रहे हैं, अमन और चैन कायम हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। There are few people got pain on their leg and hands. The Lord Jesus removing their pain and healing. और कुछ लोगों के हाथों में पैरों में दर्द हो रहा है, प्रभु अब उस दर्द को निकाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। द लॉर्ड टच मोर देन 6 पीपल, दोस हु सपोज टू गो टू हॉस्पिटल came here, the healer, the Lord Jesus, the Lord touching and healing. करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल जाना था, बहुत बीमार थे, लेकिन वो प्रभु यीशु में विश्वास करके यहाँ पहले आए हैं प्रार्थना करने के लिए, तो प्रभु यीशु ने उन 6 लोगों को स्पर्श किया, उनको चंगाई दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
किया. There are two or three people getting healing from throat infection. करीब दो या तीन ऐसे लोग हैं जिनको गले में संक्रमण हो चुका था और उससे उनको चंगाई मिल गई है. Praise the Lord. Hallelujah. 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 There are few people getting healing from itching on their eye. The Lord touching and healing more than 12 people. करीब 12 लोग ऐसे जिनके आंखों में खुजलाहट हो रही थी, प्रभु ने उनके आंखों की खुजलाहट से उन्हें राहत दिलाया है, उनको चंगाई मिल गई है. हालेलुया. 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 The Lord Jesus is blessing with a few family child. कुछ एक परिवार है जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन परिवारों को प्रभु संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Somebody in journey falling down and came here with pain and the Lord touch and heal in this holy hour. कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो यात्रा करते समय गिर जाने की वजह से चोट लगी है उन्हें और वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रभु उनको चंगाई दे रहे हैं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Somebody came here with itching on their body, maybe allergy. The Lord healed more than 33 people from this allergy. कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे शरीर में कहीं ना कहीं खुजलाहट हो रही थी, हो सकता है प्रतिजूर्ता या एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन प्रभु उनको इस प्रतिजूर्ता या एलर्जी की समस्या से, इस खुजलाहट की समस्या से, खांच की समस्या से प्रभु उन्हें छुटकारा दिला रहे हैं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let us kneel down and receive the blessing from the Eucharistic Lord. The Lord Jesus is going to touch many people. सभी लोग अब घुटना टेकना है, हो सके तो इस तरफ बीच की तरफ, बीच में की तरफ ऐसे मुड़ जाना है और घुटना टेकना है, क्योंकि पवित्र परम प्रसाद के प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में से एक जुलूस के रूप में आएंगे, तो हमको उनका आशीर्वाद लेना है. जब ठीक प्रभु यीशु आपके सामने होंगे तो उनके सामने इस प्रकार हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमन करके उनका आशीर्वाद दीजिए. Pussy.
लॉर्ड हालेलुया हाथ उड़ाकर ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया बार बार बोलिए हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सभी लोग बैठिए Praise the Lord. Hallelujah. Let me know who got that fracture or pain because of the accident or falling down, and today one who came here and received the healing. कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो गिर जाने की वजह से उनकी हड्डी टूट गई या बहुत चोट लगी थी या फ्रैक्चर हुआ था और उनको आज यहाँ पर आने के बाद यहाँ प्रार्थना करने के बाद उनको चंगाई मिली है वो व्यक्ति कौन है कृपया करके खड़े हो जाएं कहीं चोट आपको चोट लगी थी गिर गए थे और फ्रैक्चर हुआ था या हड्डी टूट गई थी और यहाँ पर ताबोर में आने के बाद आज प्रार्थना करने के बाद आपको चंगाई मिली है वो व्यक्ति कौन है कृपया करके अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और इस प्रकार हाथ हिलाकर बताएं मेनी पीपल आर स्टैंडिंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लेट अस गिव ए गुड क्लैप टू आवर लॉर्ड जीसस जोर से ताली बजाएं हम प्रभु के लिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर रिमेंबर We are in Advent season. प्यारे भाइयों और बहनों इस बात का ध्यान रहें कि हम आगमन काल में हैं. Very specially, we have to prepare our heart, our body for the Lord Jesus Christ. विशेष रूप से अपना शरीर और अपना हृदय हमको प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करना है Praise the Lord. Hallelujah. 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 And 24th evening by 9 o'clock, we will have the Holy Eucharist for the Sneha Sangam people. और सिर्फ Sneha Sangam के लोगों के लिए ये Catholic लोगों के लिए नहीं है इस बात का ध्यान रहें जो Catholic नहीं है जो हमारे Sneha Sangam के सदस्य हैं जो गैर Catholic हैं सिर्फ उन भाइयों बहनों के लिए 24 तारीख के रात के 9 बजे यहाँ पर मीसा बलिदान चढ़ाया जाएगा Praise the Lord. Hallelujah. 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 Therefore, you have to come earlier by 8 o'clock. Everybody will be here for the celebration.
और सभी लोगों को यहाँ पर रात के 8 बजे तक एक एकत्रित हो जाना है, एंड थोड़ी पूर्व तैयारी के रूप में आपको थोड़ा जल्दी 1 घंटा पहले आना है, 8 बजे ही यहाँ पर आ जाना है। I don't know how many of you will come that day. If I get some detail, we can prepare the food or something, those who are coming that day. आप में से कितने लोग अगर आएंगे एक अंदाजे के तौर पर अगर आप हाथ उठाकर बता सकेंगे तो हम उस रात को भोजन की थोड़ी व्यवस्था कर सकते हैं। तो जिनको 24 तारीख की रात को जो आ रहे हैं, कैथलिक लोगों के लिए नहीं है, आपको अपना अपना चर्च जाना है। जो कैथलिक नहीं है, स्नेह संगम के जो हमारे भाई बहन हैं, सिर्फ उनके लिए, उसमें से जो 24 तारीख की रात को आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपना हाथ ऊपर उठाकर बताएं। Very few people only. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Stuti karte raho. Hallelujah. 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 Unjaba se bolo na. Hallelujah. Hallelujah.